दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय AMD. तो भाई ये है मेरा वो PC जिससे मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी और 5 बार रेड इन अकाउंट किया था, जो आज तक कोई नहीं कर पाया एक ही सिंगल एक्ट में पूरे वर्ल्ड में. तो नहीं यार, आज हम करेंगे PC अपग्रेड. तुम्हें इतना तो पता ही है कि मुझे बातें करना आता है, गेम खेलना आता है, बट जब बात हो PC बिल्ड करने की या फिर टेक्निकल, तो उसके लिए मेरे पास 2 शातिर लोग हैं. तुम उनको जानते हो? हाँ, दिखाता हूँ, रुको. तो वो दोनों हैं हमारे पहले डायरेक्टर साहब यथार्थ और हमारा कार्टून, ओ सॉरी, K9 साहिल. K9 कुत्तों का नाम नहीं होता? हाँ भाई होता है, बाबू. चलो भाई शुरू करते हैं. अरे भाई घुमा के देख, फ्रिज भी लगता है, बिल्कुल मजा आएगी तेरे को. एक बात बोलूं, देख रहा है 2 साल तक ये PC क्लीन नहीं किया और अब देख के अभी भी ऐसा दिख रहा, बढ़िया. A few minutes later. Guys, अगर तुम 2 साल से PC ना साफ करो तो प्रोसेसर की हालत क्या हो जाती है आज तुम्हें पता चलेगा. और हम इसको कैसे निकाल रहे हैं फैन से और प्रोसेसर को, ये अब देखना तुम लोग. तो देखो क्या हुआ है, जो फैन है और प्रोसेसर का जो चिप होती है उसमें थर्मल पेस्ट चिपकती है और वो इतनी चिपक गई है अंदर तक, इतना वो सब अंदर घुस चुका है कि वो निकल नहीं रही है बाहर. तो उसके लिए तुम्हें हेयर ड्रायर से यूज़ करना है उसको गर्म करके, या तो ब्लेड से, सबसे बेस्ट तरीका होता है ब्लेड से उसको नीचे से कर दो. बट अगेन ये घर पर मत ट्राई करना, ये तुम्हारी बस की नहीं होगी. यार बहुत ट्राई करने के बाद इन दोनों को मैं अलग कर ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या ही प्यार करते हैं एक दूसरे से. तो अब इसकी जगह मैं दूसरा ही कूलर यूज़ करूँगा. देख मैं कैमरे में भी दिखा सकता हूँ, ये जो ये पॉइंट होता है ना, इसमें ढूंढना पड़ेगा मेरे को, वहाँ पे पॉइंट होती है ये रहा. तो इसको इसके अलाइन करना पड़ता है बिल्कुल क्लियरली, समझ रहा है साहिल? मैं बार बार नहीं बताऊँगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूँ. देख अभी भी अलाइन नहीं किया तूने, अब किया है, समझ रहे? ऐसे था नहीं ऐसे, बट ठीक है, एज यू से. हां ठीक है, हां तो भाई कह रहा ना, तो अपना बच गया, ये राम दे भाई, राम तो मुझे लगाने आती है, मैंने खुद यहां लगाएगा, यहां लगती है, नहीं यहां लगती है, बट कौन स्लॉट में, कौन से स्लॉट में? हां भाई YouTube पे देख के बताता हूं, रुक. फर्स्ट और थर्ड इन दोनों लगा, यहाँ यहाँ. गुड जॉब. रेडी हो? देख मैं बताता हूँ क्या ये किया ना, इसको यहाँ से लॉक, वो जरूरी होता है. कुछ लॉक होता है वो, दबा के. अब हो गया, छोड़ दे. अब हो गया ना? हाँ क्या भाई, ये हो गया. अब बचा इसका, ये देख. थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ. भाई लग गया, आया, बन गया मैं भी PC बिल्डर, पॉप द बिल्डर. सो फाइनली हमने इन दोनों की मदद से मैंने PC बिल्ड कर लिया है और अब बस चेक करना है कि ये डिस्प्ले पे आता है नहीं आता, क्योंकि भाई सबसे खतरनाक चीज होती है. सो वी आर गोना स्टार्ट. यस, ये तो आ गया. ओके F9 ताकि वो बूट पे आए. साइड हो जा, देख रहे थे, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा. F1
We are here, man. अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने अपग्रेड करा क्या क्या है। प्रोसेसर की बात करें तो मैंने इसमें Ryzen 7 7700X जो कि बना है ब्रांड न्यू 5nm Zen 4 आर्किटेक्चर पर। इसके 8 कोर और 16 थ्रेड्स और 5.4 GHz इससे एक मल्टीटास्किंग मॉन्स्टर बना देते हैं जो कि गेमिंग और एडिटिंग दोनों में साथ देगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे कम है तो आप इसके छोटे भाई Ryzen 5 7600X को ले सकते हो जो 6 Zen 4 कोर्स के साथ आपके डेली वर्क एंड गेमिंग को इजीली हैंडल कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मेरी तरह लाइव स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग करनी है तो यू कैन गो फॉर Ryzen 9 7950X विच इज़ बेसिकली द मोस्ट पावरफुल Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर। अब आते हैं मदरबोर्ड पर। Ryzen 7000 के साथ आया है AMD का नया AM5 प्लेटफॉर्म जो कि आता है कई नए फीचर्स के साथ। यह हमारे पास लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट X670E चिपसेट है विच कम्स विद द लेटेस्ट एंड मोस्ट एपिक फीचर्स फॉर सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। Ryzen 7000 एंड AM5 एज अ प्लेटफॉर्म कम्स विद एक्सट्रीमली फास्ट DDR5 मेमोरी सपोर्ट, प्रिसिशियस बूस्ट एंड 170 वोट्स TDP सपोर्ट्स ऑन द सॉकेट जो अलाउ करता है कंटेंट क्रिएटर्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ देयर CPUs इन हैविली थ्रेडेड एप्लीकेशंस। ये आइटम शायद तुमको नहीं पता होगा, इसे कहते हैं रैम। 32GB वाली रैम भाई, DDR5 जो चलती है 6000 MHz पर, और इसमें RGB भी है, मतलब लुक्स और परफॉर्मेंस दोनों सही कॉम्बिनेशन है ना भाई। इससे फास्ट क्या ही मिलेगा यार। अबे पागल है क्या नूब। एंड नाउ द लास्ट थिंग फॉर द हार्ट ऑफ आवर गेमिंग PC, वी आर यूजिंग Radeon RX 6750 XT बिल्ड ऑन RDNA 2R। इसके स्पेक्स पहले ही बता दूँ बवाल है। 12GB GDDR6 मेमोरी के साथ ये बनी है 1440p गेमिंग के लिए। ई-स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों के लिए इसमें है एंटी लैग टेक्नोलॉजी जो कि प्रोसेसिंग लेटेंसी को ड्राइवर लेवल पर रिड्यूस करती है, और AMD की वीडियो कोडिंग इंजन के साथ कंटेंट क्रिएशन एंड स्ट्रीमिंग इज़ वेरी ईजी एंड फास्ट क्योंकि ये RDNA 2 के अमेजिंग कंप्यूट पावर एंड मीडिया इंजन को यूज़ करती है। तो भाई अब परफॉर्मेंस की बात करें तो तुम्हें पता ही है मैं FPS गेमर हूँ, तो Valorant में तो 300 प्लस FPS आ जाएंगे इसमें, और Apex में 150 प्लस या 200 ले लो, और CSGO की बात करें तो भाई तुम अभी भी खेलते हो गेम, उसमें भी आएगी। अब बात करें प्रोडक्टिविटी की तो मेरी 10 मिनट की वीडियो जो यथार्थ ने एडिट की है उसको लगे हैं सिर्फ 5 मिनट रेंडर होने में, और ये बहुत इफेक्ट्स डालता है। ये था मेरा 5 Radeon वाला PC अपग्रेड। And once again, thank you AMD for sponsoring this video. तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और दुआओं में याद रखो।